सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस नॉलेज ऑफिशियल में। तो आज से हम लोग हिंदी का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हिंदी के फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो हमारा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है जाति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो उनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने पाठ को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उनके कुछ परिचय हैं, को पहले हम लोग जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म चौदह अप्रैल 1991 ईस्वी में हुआ था। ओके, उनका जन्म स्थल महू मध्य प्रदेश था। यह प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में स्थित है, फिर वहाँ से लंदन गए। ओके, अर्थात कहने का मतलब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 में हुआ था। ओके, उनका जन्म स्थल महू मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा, ठीक है ना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में है, वहाँ गए। उसके बाद फिर वो लंदन गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1991 में। और यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मस्थल कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्मस्थल महू मध्य प्रदेश। ओके, महू मध्य प्रदेश। और एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कहाँ गए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में स्थित है, वहाँ गए थे। ओके, और चलिए आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैगनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अंटचेबल्स इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है ना। ये दो तीन हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन और भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कुछ पूछेगा तो आप ये दो तीन लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं कौन है। इसमें से एक दे देगा और दो चार दूसरा ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग यहाँ से कोई जो होगा उसका उस पर क्लिक टिक कर देंगे। ओके, तो चलिए और इनकी साहित्य विशेषताओं के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। साहित्य विशेषताएं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की साहित्य विशेषताएं देखते हैं। आधुनिक भारतीय चिंतकों में बाबा साहेब, ठीक है ना, आधुनिक भारतीय चिंतकों में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, ठीक है ना। इन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति तथा सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया, ठीक है। इनका सारा लेखन इसी संघर्ष से जुड़ा हुआ है। इन्होंने व्यापक अध्ययन एवं चिंतन के बल पर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक नई ऊर्जा भरने का काम किया, ठीक है ना, काम किया। बुद्ध तथा ज्योतिबा फूले इनके चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रमुख प्रेरक थे। इनके बहुमुखी विद्वता एकात ज्ञान साधना की जगह मानव मानव मुक्ति, यहाँ पे मुक्ति लिखा हुआ है, छिप गया है, मानव मुक्ति एवं जन कल्याण के लिए थी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिलेगा उसको हम बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए आपसे यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचना के प्रेरक कौन कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध, करीब, ज्योतिबा फुले, ठीक है ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं।
अत्यंत। और ये भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसकी मुक्ति के लिए अपना जीवन जीवन न्यौछावर कर दिया। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दलितों, दलितों की मुक्ति के लिए वो अपना जीवन भर न्यौछावर कर दिया। ओके, मतलब अपने जीवन दे दिया दलितों की मुक्ति के लिए और संघर्ष करते रहे और दलितों को समानता के लिए, समानता, ठीक है ना। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिचय समझ में आया होगा, ठीक है ना। ओके, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पाठ के बारे में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे, पूरे एक्सप्लेन करेंगे पूरा एक ही वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही बस। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।